नमस्कार जोहार, मैं नमिता आप सभी किसान भाई बहनों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत करती हूँ। हरियाली देख सभी हो जाते हैं खुशहाल, हरियाली देख सभी हो जाते हैं खुशहाल, यही हरे भरे खेत तो हैं आपकी परिश्रम की पहचान। चलिए किसान भाई बहनों, हम सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। परती भूमि को कृषि योग्य बनाने की योजना संचालित, चारा उत्पादन के लिए दूध उत्पादकों से आवेदन आमंत्रित और पपीता के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा द्वार। अब समाचार विस्तार से। कन्वर्सन ऑफ फैलो लैंड इंटू क्रॉप एरिया योजना के तहत किसान भाइयों के लिए परती भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि की योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत फसल सघनता को और बढ़ाने एवं बहुफसली कृषि को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य में परति भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए मेड़बंदी अभियान के रूप में चलाकर आच्छादन करने की योजना है, ताकि परति भूमि में पर्याप्त मात्रा में नमी होने से फसल उत्पादकता में वृद्धि होने पर किसानों की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाया जा सके। जिला में परति भूमि को चिन्हित कर जुताई के माध्यम से मेड़बंदी कार्य के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की देखरेख में कृषि योग्य बनाया जाएगा एवं मोटे अनाज और दलहन तिलहन फसलों का आच्छादन सुनिश्चित। पशु आहार एवं चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निजी ऊपरी भूमि में और हाइड्रोपोनिक विधि से चारा उत्पादन के लिए आधा एकड़ एवं एक एकड़ भूखंड पर बहुवर्षीय हरा चारा उत्पादन के लिए राज्य के दूध उत्पादकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक दूध उत्पादक जिला गव्य विकास कार्यालय रांची से 5 जून से 5 जुलाई तक निःशुल्क आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर 12 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास ज्यादातर टाँड़ खेत है और सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, उनके लिए मड़ुआ की खेती करना ज्यादा फायदेमंद है। ये खरीफ मौसम की फसल है, लेकिन बारिश शुरू होने में विलंब हो जाए तो बुआई के बाद एक सिंचाई कर देने से बेहतर उत्पादन होता है। किसान भाई, टांड जमीन में इस समय खरीफ फसल मड़ुआ की खेती करना लाभदायक है, क्योंकि इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। ऐसे बारिश का मौसम शीघ्र ही शुरू होने वाला है, यदि बारिश होने में विलंब हो तो एक सिंचाई जरूर करें। खरीफ मौसम में बारिश के पानी की कमी नहीं है, तो सिंचाई की आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर लंबे स्पेल तक, लंबे दौर तक मानसून में बारिश ना हो तो सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है मंडुआ में। फिर भी अगर जिनके पास वो भी नहीं उपलब्ध है, तो किसी प्रकार एक सिंचाई बुआई के बाद दे सकें तो अच्छी पैदावार ली जा सकती है। वैसे मंडुआ प्रमुखतः वर्षा सिंचित फसल। बागवानी फसल पपीता की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए गड्ढे का आकार, लंबाई, चौड़ाई और गहराई 60-60 सेंटीमीटर रखें। पौधों के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में पूसा ड्वार्फ, कुर्ग, हनीड्यू लगाएं। किसान भाई, पपीता की खेती के लिए बलुई दोमट, अच्छे जल निकास युक्त एवं जैविक तत्वों से भरपूर वाली मिट्टी का चयन करें। साथ ही यह ध्यान रखें कि इसे कुएं, तालाब या नदी के पास ही लगाएं, क्योंकि इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। किसान भाई, शुष्क भूमि में गहरी बुआई के लिए डीप फरो सीडर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है बैगन फसल में माहो और सफेद मक्खी कीट के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप अपने बैगन फसल को हॉपर्स, माहो और सफेद मक्खी कीट से बचाने के लिए फसल पर लगातार निगरानी रखें। ये कीट पौधों के कोमल अंगों से रस चूसकर उपज पर प्रतिकूल असर डालते हैं। बैगन फसल में हॉपर्स, माहो और सफेद मक्खी कीट के रोकथाम के लिए प्रति एकड़ 2 से 3 डेल्टा या पीला ट्रैप लगाएं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस, धनबाद का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गुमला में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 3000 रुपए से 3800 रुपए, गेहूं 1900 रुपए से 2300 रुपए, दाल अरहर 7000 रुपए से 7400 रुपए, दाल मसूर 6000 रुपए से 6400 रुपए, सरसों तेल 8680 रुपए से 10000 रुपए, चीनी 4000 रुपए से 4400 रुपए, आलू 1100 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां आपने कृषि से संबंधित बहुत सारी जानकारियां ली, मंडी के भाव के बारे में जाना, मौसम के मिजाज के बारे में जाना और कृषि से जुड़ी बहुत सारी तकनीकों के बारे में भी जानकारियां ली। जानकारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम और इस छोटे से विराम में आपके लिए बड़ा सा संदेश। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी है, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार।